तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पबजी मोबाइल हो चुका है फाइनली बैन। बहुत ही जद्दोजहद के बाद और बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ने के बाद पबजी को बैन कर दिया गया। और पबजी बैन इसलिए हुआ है क्योंकि सिंपली वो चाइना के एप्लीकेशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 118 एप्लीकेशन बैन किए गए हैं इंक्लूडिंग पबजी, और ये सारे के सारे चाइनीज एप्लीकेशन हैं। आप लोग लिस्ट देख सकते होंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पबजी अभी आपके मोबाइल में कुछ टाइम के लिए हो सकता है चल जाए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाने वाला है, जैसे कि टिकटॉक बंद हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस पबजी से चलती है, बहुत सारे स्ट्रीमर्स की रोजी रोटी जो पबजी से चलती है। तो अब हो सकता है कि वो लोग पबजी छोड़ के किसी और गेम पर स्विच करें। और जैसा कि मैं बताया कि हमारे जो इंडिया का जो गेमिंग एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है, तो इसके बैन होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है हमारे जो स्ट्रीमर्स हैं। कुछ टाइम के लिए पबजी हो सकता है चले, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद चलना बंद हो जाएगा। और दोस्तों रेस्ट इन पीस या फिर रिप उन लोगों के लिए जिन लोग ने अभी कुछ दिन पहले रॉयल पास खरीदा था, या फिर इस सीजन का रॉयल पास खरीदा था, या फिर उनकी आरपी 100 तक पहुंच गई थी। तो उनके लिए बहुत एक मौन व्रत धारण कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ उन लोग का, सीरियस हूँ। और देखते हैं आने वाले टाइम पे पबजी को स्विच करके कौन सा एप्लीकेशन इसकी जगह लेता है। या फिर हो सकता है टिकटॉक जैसे पहले बैन हुआ था फिर वापस से आ गया था प्ले स्टोर पे, तो क्या पता ऐसा पबजी का भी कमाल आपको देखने को मिले। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर पबजी हो सकता है आ जाए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं भूल गया आपको बताना यार, कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना, दबा दो यार, मोटिवेशन दे दो, और ऐसी ही न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और लाइक कर देना तो बढ़िया रहेगा, घंटी का बटन दबा दोगे तो जो भी मेरा नया अपडेट आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाने वाली है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। टिल देन।